बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्मसम्मानी सुंदर साज। कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री जी मस्कत से अब्बासी पहुंचे हैं। अब्बासी में भैरव सेठ रहते हैं, जिन्होंने 70,000 लहारी देकर अरबी लुटेरों के बंधन से सुंदर सात को छुड़ाया है। किस प्रकार एक महीने का परहेज रखकर उन्हें 3 दिन के अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और किस प्रकार वहां 2-3 महीने रुकने के बाद अब श्री जी वहां से विदा लेना चाहते हैं। लेकिन सुंदर साथ प्रेम में इतना बंधे हुए हैं कि वो विदा ही नहीं देते। अब श्री जी क्या चिंतन कर रहे हैं, हमने कल अंतिम चौपाई दोहराई कि बात बड़ी है करनी, आवे सकुंडल सकुमार, विस्तार होए ब्रह्मांड में, जाको वार न पार, जाको वार न पार। हम एक ही बंदर अटके, अब श्री जी चिंतन कर रहे हैं कि हमें काम बहुत बड़ा करना है, सकुंडल और सकुमार की जागनी करनी है। लेकिन यदि एक ही बंदरगाह पर हम टिके रहे, पहले दीप बंदर में 2 वर्ष लगे, यहां भी 3 महीने के आसपास हो चुके हैं, अगर हम एक ही स्थान पर बहुत अधिक समय तक टिके रहे तो क्या होगा, जितना बड़ा लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए सुंदर साथ तो हमें नहीं छोड़ रहे, पर किसी न किसी तरह से हमें यहां से तो निकलना ही होगा। उन्होंने मूल स्वरूप राज्य की तरफ नजर करके प्रार्थना की कि राज्य कोई रास्ता यहां से निकलने का बताइए। और कुछ ही दिनों में एक ऐसा रास्ता मिला कि वहां एक नए अधिकारी का आगमन होना था अब्बासी बंदर में, और वो अधिकारी हिंदुओं के प्रति थोड़ा क्रूर था। कुछ भी बहाना करके पीड़ा पहुंचाना उसे अच्छा लगता था। अब भैरव सेठ ने सोचा कि मैं क्या करूं, उसका वहां पर आगमन रोकने के लिए भैरव सेठ ने बहुत प्रयास किया, लेकिन संभव नहीं हो पाया। अब संकोच हो रहा है भैरव को। क्या संकोच हो रहा है कि श्री जी को मैं कैसे छिपा कर रखूं, यहां अपने बच्चों को ही छिपाने में दिक्कत हो रही है, श्री जी को कैसे रखा जाए, क्योंकि मान लो परिवार वालों को तो कुछ हो भी जाता है तो सहा जाए, लेकिन अगर श्री जी के साथ वो कुछ भी ऊंच नीच करने की कोशिश करे तो वो असहनीय होता। इसलिए उन्होंने अब सामने से ही प्रार्थना की कि श्री जी अब यहां थोड़ी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए आप यहां से चले जाइए। श्री जी को विदा दिया, नाव में बैठाया, और जो भी सुंदर साथ श्री जी के साथ आए थे और साथ में जाने वाले थे उन सबको भी नाव में बैठाया गया। जिनकी जैसी सामर्थ्य थी, सामर्थ्य के अनुरूप किसी ने पैसे, किसी ने वस्त्र, किसी ने आभूषण दी। क्या कह रहे हैं चौपाई में, वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी सकत तैसी भली चालाकी करे हाथ। हाथ की चालाकी से सेवा करने का तात्पर्य क्या है, देखिए इस संसार में यदि लोभ की दृष्टि से देखा जाए, तृष्णा की, लालच की दृष्टि से देखा जाए, तो किसी के पास कितना भी अधिक धन हो कभी भी ज्यादा नहीं होता है। पैसा किसी को ज्यादा होता है,
कोई ये कहता है कि मेरे पास ज्यादा धन हो गया है, कहाँ रखूं मैं, तू ले ले, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। तो किसी के पास भी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन जिसके मन में सेवा की भावना होती है, जिसके मन में सेवा की इच्छा होती है, जिसको लोभ नहीं है, लोक कल्याण की भावना है, वो क्या करेगा? वो चालाकी करेगा सेवा करने में, छिपाने में नहीं। लोग चालाकी तो करते हैं, लेकिन छिपाने में, बचाने में करते हैं। अगर किसी के मन में सेवा भी, सेवा के विषय में विचार भी आएगा ना, तो अधिकांश लोग सेवा भी इस तरह से देते हैं। कई जगहों पर मुझे पता है कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे, आप उसमें से 20 लाख रख लेना और बाकी हमें व्हाइट करके दे देना। ब्लैक मनी को व्हाइट में करने के नाम पे सेवा दी जाती है। बहुत सारे लोग, क्योंकि अरबोंपति होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम छोटी सी चैरिटी बनाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, तो क्या होगा, ब्लैक मनी को व्हाइट करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह से लोग बचाने में चालाकी दिखाते हैं, संग्रह करने में चालाकी दिखाते हैं। यहाँ सेवा करने में चालाकी दिखाने का क्या मतलब है? कि जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, जिसका गुजारा सामान्य रूप से यदि दिन के 100 रुपए में चलता है, उदाहरण दे रहा हूं, अगर 100 रुपए में गुजारा चलता है, तो कहीं ना कहीं से वो बचाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं 100 की जगह पर 90 रुपए में गुजारा करूंगा और जो 10 रुपए बचता है उसे मैं सेवा में दूंगा। ये है चालाकी। और ऐसे मैंने बहुत सारे सुंदर साथ देखे। कभी कभी क्या, अधिकतर ऐसा होता है कि जिसके पास धन हो उसके पास मन नहीं होता है, और जिसके पास मन हो उसके पास धन नहीं होता है। लेकिन जिसके पास मन हो और धन न हो, वो प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास मन है। मन अलग तरह के उपाय देता है। अभी फरवरी के आसपास में गुजरात गया हुआ था स्वामी जी के साथ। वहां किसी गांव में, जहां स्वामी जी की चर्चा थी वहां नहीं, किसी और गांव में सुंदर साथ स्वामी जी से मिलना चाहते थे। ऐसे ही चर्चा भी नहीं थी, चर्चा सुनने तो लोग आ ही जाते थे प्रोग्राम में। तो सुंदर साथ चाहते थे कि स्वामी जी का एक बार उस गांव में आगमन हो। तो हम सब गए, एक घर में स्वामी जी को बैठाया गया, स्वामी जी बैठे हुए हैं, और वहां ऐसे ऐसे सुंदर साथ हैं जो देखने में ऐसा लग रहा था कि जिनके पास शायद अभी जेब में टटोला जाए तो 100 रुपए भी नहीं होंगे। ऐसे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, जिसमें सिलवट पड़ी हुई। हम तो प्रेस करके पहनते हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े भी वैसे थे। कई जगह पर पैबंद लगे थे, पैबंद समझते हैं, कई कई जगह पर फट जाता है तो दूसरे कपड़े का टुकड़ा लगा करके सिलाते हैं ना, तो ऐसे पैबंद लगे हुए थे। लेकिन ऐसे सुंदर साथ आए और कोई स्वामी जी के चरणों में 100 रुपए रख रहा है, कोई 500 रुपए रख रहा है, कोई 5000 रुपए रख रहा है। स्वामी जी सारी सेवा मुझे पकड़ाते थे कि ये सेवा आप संभाल के रखिए, और मुझे आश्चर्य होता था। मैं उस दृश्य को देख करके भावुक हो गया कि देखिए इनके पास मन है। सभी सुंदर साथ किसान है वो, और खेती किसानी में बहुत कुछ बचता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, जितने में उनका गुजारा चलता है, लेकिन गुजारा चलाते चलाते भी हाथ की चालाकी दिखा करके, कई जगह से कटौती कर करके वो बचाते हैं, और फिर साल में एक बार सेवा देते हैं कि हमारी सेवा किसी तरह से राज्य के चरणों में पहुंचे, किसी तरह से हमारी सेवा का लाभ सुंदर साथ प्राप्त करे। तो उसको कहते हैं हाथ की चालाकी दिखाना। तो इसी तरह से अब्बासी में भी बहुत से सुंदर साथ ने हाथ की चालाकी दिखा करके, थोड़ा थोड़ा करके संचय करते हुए श्री जी की सेवा में उस धन को समर्पित किया। जैसा जिनका अंकुर, लाभ लिया तीन माफक। जिसका जैसा संबंध था वैसा ही उन्होंने लाभ लिया, और जैसा जिन्होंने लाभ लिया सेवा का, उनको शोभा भी उसी प्रकार की मिली। और इस प्रकार
श्री जी सभी सुंदर साथ से विदा लेकर के अब्बासी बंदर से नाव में बैठकर पहुंचते हैं कोक बंदर। वहां से पुनः नाव बदल करके पहुंचते हैं लाठी बंदर और चार दिन वहां रहने के बाद पहुंचते हैं ठट्ठा नगर। जैसे ही ठट्ठा नगर में ये बात पहुंची कि श्री जी पुनः लौट आए हैं, सबसे पहले नाथा जोशी दौड़े श्री जी को लेने के लिए। और भी सुंदर साथ जाते हैं, श्री जी से मिलकर के सभी को प्रसन्नता होती है। ठाकुरी बाई जिंदादास श्री जी को लेकर आते हैं अपने घर में और सब सुंदर साथ अब आकर के श्री जी से मिलते हैं। ठाकुरी बाई श्री जी से मिलने के लिए आने वाले सुंदर साथ के लिए भोजन का प्रबंध करती हैं। और इस प्रकार अब लगभग 4 वर्ष के बाद श्री जी और बाईजीराज जी साथ में हैं और सुंदर साथ उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने घर से सेवा की सामग्री लेकर के दौड़ते हैं, क्योंकि सबके मन में है कि देखो श्री जी आए हैं, कितने दिन रहेंगे पता नहीं, और जब जाएंगे तो फिर कब आएंगे वो भी पता नहीं, और अब इसके बाद श्री जी पुनः लौट के नहीं आते लाठी बंदर किसी भी स्थान पर। अभी ठट्ठा नगर में है, सुंदर साथ अपने अपने घर से सामग्री लेकर के आते हैं और श्री जी की सेवा करते हैं। श्री जी ने अब सब सुंदर साथ को अब्बासी बंदर के बीतक सुनाई, कैसे अरबी लुटेरों के बंधन से भैरव सेठ ने सुंदर साथ को छुड़ाया वो सुनाया, भैरव की जागनी कैसे हुई, तेजबाई माता की जागनी कैसे हुई, अन्य सुंदर साथ किस तरह से आए, इन सब की जब चर्चा सुनाई, कहते हैं मन बड़े सब साथ के सुनते यह बीतक। सब सुंदर साथ ने जब जागनी के विषय में सुना उनके मन में भी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार अब सब ठट्ठा नगर के सभी सुंदर साथ आके श्री जी से मिलते हैं। अब विक्रम संवत 1728 है, वैशाख का महीना, वैशाख मतलब मई जून, और उस समय श्री जी ठट्ठा नगर पहुंचे हैं। वहां से आगे जाने के लिए विदा लेना चाहते हैं पर कोई सुंदर साथ विदा नहीं देता है। अब ठट्ठा नगर के सुंदर साथ के साथ मटहरी नाम का स्थान है, वहां से भी बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं। अब नए सुंदर साथ जुड़ने शुरू हो गए। अब होता क्या है कि कोई भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम है, कैसे किया जाए, फिर यदि आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो क्या होता है। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। कुछ लोग देखते हैं कि लक्ष्य तो ठीक है पर असंभव लग रहा है, इसलिए कोशिश ही नहीं करते। पहले तरह के जो लोग हैं वो लक्ष्य को देखते हैं और कठिनाइयों के विषय में चिंतन करके प्रयास ही नहीं करते। जो दूसरे तरह के लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं प्रयास करके देख लिया जाए, कोशिश करते हैं, उसके बाद जैसे ही कुछ कठिनाइयां आती है वो छोड़ करके वापस लौट जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है डू और डाई, करो या मरो, कि या तो मैं लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा या शरीर छोड़ दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। श्री जी जागनी के लिए इसी तरह से निकले हैं, साथ देने वाला कोई नहीं है और ये सोच करके भी नहीं निकले हैं कि कोई साथ देगा तो करूंगा वरना वापस लौट जाऊंगा, ऐसा भी नहीं सोचा। एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए हैं उत्तर प्रदेश के ही, वो लिखते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वैसे तो कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अगर बड़ा लक्ष्य हो तो प्रयास अकेले ही करना पड़ता है, नेतृत्व करना पड़ता है और नेतृत्व करता के पीछे पीछे फिर एक के बाद एक लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता जाता है। श्री जी अकेले निकले, जूनागढ़ पहुंचे थे तो अकेले थे, वहां कान्हजी भाई जुड़े, उसके बाद
अहमदाबाद से दीप बंदर पहुंचे, साथ में कोई नहीं। दीप बंदर से निकले तो कुछ सुंदर साथ हैं। मस्कत अब्बासी होते हुए जब ठट्ठा नगर पहुंचते हैं तो काफी सुंदर साथ जुड़ते हैं। सूरत पहुंचते पहुंचते सूरत से जब निकले तो 500 सुंदर साथ का जमात जुड़ा। सोचिए, लेकिन एक से 500 पहुंचने में कितना समय लगता है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, 16, 32, 64, 128, 256, 512 करते करते स्पीड कम लगती है। लेकिन जब आप 20वें, 21वें दिन पहुंचते हैं, 30वें दिन पहुंचते पहुंचते आपको कैलकुलेटर में वो नंबर नहीं आता है। इसी तरह से यदि आप निरंतर प्रयासरत रहते हैं, और निरंतर भी कैसे, निरंतरता तो होनी ही चाहिए, साथ में योजनाबद्धता भी होनी चाहिए। योजना के साथ निरंतर आप प्रयासरत रहते हैं तो आपको परिणाम भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही मिलता है। हमारे समाज में क्या हुआ, 5वें दिन की लीला के समाप्त होने के बाद उस प्रयास में निरंतरता नहीं रही, योजनाएं नहीं रही, इसीलिए जागने की गति इतनी न्यून है। तो यहां ठट्ठा नगर से अब मटहरी के कुछ सुंदर साथ आए हैं। मटोद नाम की कोई स्थान है, वहां से भी सुंदर साथ जुड़ते हैं, और वहां से श्री जी साहब अब नौतनपुरी में चिट्ठी भेजते हैं कि हम अब्बासी बंदर से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बिहारी जी को चिट्ठी भेज दी जाती है कि मिलना चाहते हैं। हमारे साथ दीप बंदर का भी सुंदर साथ है, हम यहाँ से कच्छ आने वाले हैं, और अगर आप भी कृपा करके नौतनपुरी से कच्छ आ जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम सब वहां पर मिलेंगे। और जैसे ही ये पाती भेजी, चिट्ठी भेजी, ठट्ठा नगर के सुंदर साथ से विदा मांगा कि हमने चिट्ठी भेज दी है, कब पहुंचेगी और बिहारी जी महाराज कब निकलेंगे कुछ पता नहीं है, अगर हमने देरी की तो क्या होगा, बिहारी जी महाराज पहुंच जाए और हम ना पहुंच सके तो उनके कोप भाजन बनना पड़ेगा, मतलब उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। सुंदर साथ विदा ही नहीं देते, अभी भी एक महीने तक विदा नहीं देते, और जैसे तैसे करके वहां से विदा लेकर के श्री जी निकलते हैं और पहुंचते हैं नलिया। श्री जी के ठट्ठा नगर से नलिया पहुंचने की खबर सुनते हैं धारा भाई, और वो नलिया आकर के अपना किस्सा सुनाते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि श्री जी, मैं खंभालिया में रहता था, आज हम जिसको खंबात के नाम से भी जानते हैं, समुद्र के किनारे स्थान पड़ता है गुजरात में। कहते हैं कि मैं खंभालिया में रहता था, मस्कत बंदर से सूरजी आए थे, सूरजी भाई, उन्होंने सुंदर साथ को चर्चा सुनानी प्रारंभ की, तो उनकी चर्चा सुन करके मैं परिवार के साथ सुंदर साथ में शामिल हुआ, और वहां राज्य की कृपा से मेरे द्वारा कुछ ऐसी लीला होने लग गई कि मुझे राज्य का आवेश आता था और मैं सुंदर साथ को चर्चा सुनाता था, राज्य की बातें बताता था, परम धाम की बातें बताता था। अब सुंदर साथ ने देखा कि ये राज्य की बात बता रहे हैं, परम धाम की बात बता रहे हैं, तो सुंदर साथ मेरा सम्मान करने लगे, मुझे ऊंचे स्थान पर बैठाने लगे, क्योंकि जहां जहां राज्य की सेवा होती है वहां वहां सुंदर साथ पूजते हैं, सम्मान करते हैं, और ये वास्तविकता है। यदि समाज में कोई भी व्यक्ति सम्मान पाने के भाव से सेवा करता है तो हो सकता है कि सम्मान ना मिले, लेकिन केवल सेवा के भाव से, राज्य के ब्रह्मवाणी के प्रचार के भाव से करता है तो क्या होगा। राज्य कहते हैं कि जो मेरी शुद्ध दियो औरों को, तित चले तुम्हारा हुक्म। अब धारा भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये बात पहुंचती है बिहारी जी के पास, और बिहारी जी कहते हैं कि ये तो लोग क्या कहेंगे, धारा भाई तथा कथित सामाजिक वर्गीकरण के हिसाब से छोटी जाति में आते थे,
और बिहारी जी ने क्या कहा कि लोग तो इसको देख करके कहेंगे कि ये तो छोटी जाति वालों का संप्रदाय है। ए पंथ गोलों का हुआ सब में नाम, कोई न लेवे श्री देवचंद्र जी मार्ग नाम निज धाम। ये बिहारी जी की संकुचित मानसिकता थी। कहते हैं कि जब इतने छोटे छोटे लोग, छोटी जाति के लोग धर्म की चर्चा करने लगेंगे तो देवचंद्र जी का तारतम्य ज्ञान कोई क्यों लेगा, लोगों को क्या लगेगा, ये तो छोटे लोगों का संप्रदाय है, नीची जाति वालों का संप्रदाय है। जबकि वास्तविकता क्या है, वाणी क्या कहती है, जात एक खसम की और न कोई जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। इस संसार में अगर योनियों को देखा जाए तो विभिन्न योनियां है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सरीसृप है, ये सभी जातियां हैं। फिर हर जाति में उपजातियां होती है, मनुष्य में विशेष रूप से स्त्री और पुरुष रूपी जाति है, पशु जाति में भी गाय घोड़े बकरियां मांसाहारी और शाकाहारी करके उसमें फिर उपजातियां होती है, फिर मांसाहारियों में भी दोनों दो प्रकार की होती है। तो वास्तव में इस प्रकार की जाति है। लेकिन यहाँ उस समय के जो मध्यकाल के तथा कथित ब्राह्मणों ने क्या कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार जातियां हैं, और चार जातियों का वर्गीकरण करते समय उन्होंने वेद का एक मंत्र लिया, उसका मनगढ़ंत अर्थ किया और क्या कहते हैं, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका अर्थ क्या किया गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, हाथ से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, कमर से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहते हुए शूद्र को नीच कहा गया कि उनकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। यदि ऐसा मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि भगवान के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तब भी आपने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो भगवान के पास जाता हो तो सिर में प्रणाम करे, मुख में प्रणाम करे, ऐसा कहीं देखा है? किसको पवित्र माना जाता है, चरणों को, और चरणों में ही प्रणाम किया जाता है। इसका तात्पर्य कि चरणों से यदि पैदा हुआ मान भी लिया जाए तब भी अपवित्र तो नहीं होते ना, कहीं भी सेवा की जाती है तो चरणों की वंदना की जाती है। कोई भी महापुरुष हमारे घर में आता है तो क्या कहते हैं, आपके चरण हमारे घर में पड़े, कहते हैं कि नहीं, ठीक है? क्या मुख से उत्पन्न होने से ही वो पवित्र हो गया? मुख से थूक भी निकलता है, क्या है पवित्र है? मुख से निकलने से तो वो पवित्र नहीं हो जाता है। और ये दुनिया का कौन सा विज्ञान है कि कोई मुंह से पैदा हो रहा है, कोई हाथ से पैदा हो रहा है, ये कौन सा विज्ञान है? वास्तविकता क्या है, वेद मंत्र के इस वेद के इस मंत्र का गलत अर्थ किया गया है। यहाँ चार वर्णों का वर्गीकरण किया गया है उसके गुण के आधार पर। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण किसे कहा जाता है, जो ज्ञान का प्रचार करे, जो लोगों को ज्ञान दे, वो ब्राह्मण है। मुख का कार्य क्या है, मुख का मतलब पूरे सिर का, मुख जो है वो सिर का प्रतिनिधित्व करता है और सिर मस्तिष्क का। तो जिसका काम समाज में मस्तिष्क का हो, ज्ञान लेने देने का काम हो, वो ब्राह्मण है। किसी घर में पैदा होने से नहीं, ज्ञान लेना देना, यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना, ये सब कार्य ब्राह्मणों का है। जो ऐसा करता है तो बुद्धिजीवी जो वर्ग है। बाहु राजन्य कृतः, बाहु मतलब हाथ, अगर आपके ऊपर हमला होता है, कोई व्यक्ति आपको चाटा मारता है तो सबसे पहले क्या आपका आपके शरीर का कौन सा अंग उठेगा, हाथ, आपकी आत्मरक्षा के लिए। तो हाथ सुरक्षा का प्रतीक है। क्षत्रिय किसे कहते हैं, जो समाज में
धर्म की रक्षा करे। धर्म की रक्षा का तात्पर्य जो निर्बल है उनकी रक्षा करे, जो समाज में चोरी लूट हिंसा इत्यादि होने से बचाए। तो बाहु का काम है, बल का काम है, इसीलिए बाहु कहा गया क्षत्रिय को। कमर क्या है? कमर है मजबूती, ठीक है। इसको वैसे तो उरु तदस्य यद वैश्यम को पेट से भी अर्थ लिया जाता है। अगर पेट का भी अर्थ लगाया जाए तो क्या होगा? देखिए, पेट शरीर के केंद्र में है और हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं पहले पेट में पहुंचता है और पेट के माध्यम से उसका उसकी जो भी न्यूट्रिशन है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। इसी तरह से वैश्य हैं जो व्यापार करते हैं। आज समाज में जितने व्यापार करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के हर तरह का जो बिजनेस है वो वैश्य का काम है। तो जो ऐसा कार्य करता है वो वैश्य है। और पैर क्या है? पैर है पूरे शरीर का आधार। तो समाज के तीनों वर्णों का आधार शूद्र है। शूद्र का तात्पर्य क्या है? जो मजदूर वर्ग है ना वो शूद्र कहलाता है। छोटा बड़ा नहीं है, केवल काम का वर्गीकरण किया गया है कि जो बौद्धिक कोई कार्य नहीं कर सकता है। आज के हिसाब से देखा जाए तो जो न सिविल सर्विस कर सकता है, जो न किसी प्रकार के विभागीय देखरेख कर सकता है, न डिफेंस में जा सकता है, न बिजनेस कर सकता है, तो जो इन तीनों कामों को न करके कहीं पर जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इन सबको शूद्र वर्ग में रखा गया है। लेकिन अगर शूद्र वर्ग ना हो तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मजदूर खेतों में काम करते हैं तो कच्चा माल तैयार होता है, कच्चा माल तैयार हो पाता है तो बिजनेस चलता है, बिजनेस चलता है तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, समझे? तो इस तरह से चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है कार्य की दृष्टि से। और कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। अगर कोई ज्ञान देता है तो वो अच्छी बात है, ज्ञान का महत्व है, लेकिन ज्ञान का महत्व होने से किसी दूसरे का महत्व छोटा नहीं हो जाता है। तो मध्य काल में क्या हुआ कि जो समाज का ज्ञानी वर्ग माना जाता था वही वर्ग पिछड़ा हो गया, उसी के पास ज्ञान का अभाव हुआ, आलस्य अकर्मण्यता के कारण उसने अब स्वाध्याय इत्यादि बंद कर दिया गया, ज्ञान के लिए परिश्रम बंद किया। फिर उसने सोचा कि अब अगर वो कमजोर है, कमजोर व्यक्ति ताकतवर कब होता है? जब दूसरों को अपने से और अधिक कमजोर करे। तो उसने क्या किया? मनगढ़ंत अर्थ करके, धर्म के नाम पर डरा करके लोगों को अपने नियंत्रण में रखना प्रारंभ किया। इस प्रकार जातिवाद ने पूरे समाज को जकड़ लिया था। और ये उस समय की बात है, आज से लगभग 400 वर्ष पहले की। सोचे कि आज भी जातिवाद इतने चरम पर है, इतनी शिक्षा के बावजूद भी जाति के नाम पर लोगों की हत्याएं होती है, ऑनर किलिंग के नाम पर। तो सोचे कि उस समय कैसा होगा। तो वहां बिहारी जी ने कहा धारा भाई को कि ये तो छोटी जातियों का संप्रदाय शुरू हो गया है। नागजी भाई को बुलाया गया और चिट्ठी लिखी सूरजी भाई के लिए। और उस चिट्ठी में बुलाया गया था कि आप नौतनपुरी पहुंचिए। जैसे ही चिट्ठी मिली वो पहुंचते हैं नौतनपुरी। अब बिहारी जी ने छल पूर्वक पूछा कि खंबालिया में सुंदर सात की अवस्था कैसी चल रही है। सुंदर सात सब खुश हैं। अब सूरजी भाई बेचारे भोले भाले, उनको जो अनुभव हुआ था वो सारा बता दिया और कहते हैं कि राज्य की इतनी मेहर है हम पर, सुंदर सात बहुत खुश हैं, इस तरह से धारा भाई सुंदर सात से जागनी हो रही है। अब बिहार जी तुरंत भड़क गए और खंडनी करने लग गए कि तुम्हें माया लगी है, तुम्हारे घर में कलयुग ने जोर किया है, वो राज्य की लीला नहीं है, वो कलयुग की लीला है, इसीलिए तुम धारा भाई को सुंदर सात से बाहर निकाल दो। और उनको ही नहीं उनके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा और हमारा कोई भी संबंध नहीं रहेगा।
अगर तुमने उन्हें नहीं निकाला तो हम तुम्हें निकालेंगे। जब ये बात सुरजी ने सुनी, धाराभाई के लिए दुखी हुए, लेकिन अब अपना भी बचाव करना था। तो कहते हैं कि बिहारी जी, आप हमसे संबंध मत तोड़िए, हमें परमधाम से मत निकालिए, हम धाराभाई को निकाल देंगे। और ऐसा क्यों हुआ? वाणी न होने के कारण। आज सुंदर साथ के घर घर में वाणी है, और जिसने एक बार भी वाणी पढ़ा हो उसे समाज का कितना भी बड़ा गादीपति क्यों ना हो, अगर धमकी दे कि मैं तुम्हें परम धाम से निकाल दूंगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये काम तो साक्षात राज जी भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम से राज जी भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? यहां सत्ता और शक्ति की बात नहीं है, यहां बात है संबंध की। जब अक्षरातीत पूर्ण है तो वो ब्रह्म सृष्टियों को कैसे निकाल सकते हैं? जो ये कहता हो कि रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन, वाणी क्या कहती है कि कोई बात खुदा से न हो वही, ऐसो न कहियो कोय, पर एक बात ऐसी बकामिने जो हक से भी ना हो। एक काम ऐसा है परम नाम में जो राज्जी से भी नहीं होता, और वो है कि राज्जी भी चाह करके ब्रह्म सृष्टियों को निकाल नहीं सकते। और वो शब्द में यहाँ की भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ, वरना वो चाहेंगे ही क्यों? लेकिन बिहारी जी ने वहां अपना प्रपंच किया और कहा कि धारा भाई को सुंदर साथ से निकालना है। इस प्रकार सूरजी वापस खंबाली आते हैं और धारा भाई को परिवार सहित निकाल दिया जाता है। अब धारा भाई की जो पत्नी है वो अर्जी करती है कि हमारी क्या गलती है, चलो धारा भाई ने तो चर्चा की, उनको निकाला जा रहा है समझ में आता है, हमारी क्या गलती है, हमें क्यों निकाला जा रहा है? तो कहते हैं कि सूरजी भाई कहते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, बिहारी जी का आदेश है। यदि बिहारी जी महाराज अपना आदेश वापस लेते हैं तो हमें आपको शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई आपसे जाति दुश्मनी थोड़ी है। आपको अगर चाहिए तो आप नौतनपुरी जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, बिहारी जी से, वो प्रसन्न होते हैं तो ठीक है। इस प्रकार सुन करके धारा भाई जाते हैं अपने परिवार के साथ नौतनपुरी में। कई दिनों तक प्रार्थना करते हैं और बिहारी जी का कठोर हृदय न पिघलने के कारण अब वापस आते हैं। ये सारी घटना धारा भाई सुना रहे हैं श्री जी को, ये घटना पुरानी है, एक साल पुरानी। कहते हैं कि वहां मैंने बहुत विनती की लेकिन बिहारी जी नहीं माने, रो धो करके मैं वहां से वापस लौटा और आज मुझे एक वर्ष हो गया, मुझे कोई उपाय नहीं मिला। मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार पीड़ित है और मुझे केवल उम्मीद की किरण दिखी आपके रूप में, मुझे लगा कि आप मुझे सुंदर साथ में शामिल करवा सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझ पर बस इतनी कृपा कर दीजिए, अब ज्यो जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम, अब आपको जैसा उचित लगे वैसा कर लीजिए, मैंने तो अब आपके चरण कमल पकड़ लिए हैं, अब मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। जब श्री जी ने धारा भाई की बात सुनी तो कहते हैं कि देखो आप धैर्य रखो, कोई चिंता मत करो, बिहारी जी जब आएंगे तो मैं आपकी बात उनके सामने रखूंगा। धाराभाई सोचते हैं कि जब बिहारी जी आएंगे सबसे पहले श्री जी को मैं खबर दूंगा, जैसे ही मैं खुशखबरी दूंगा श्री जी बख्शीश देंगे, और जब बख्शीश देंगे तो उस समय मैं बख्शीश के बदले यही वरदान मांगूंगा। मतलब वरदान का तात्पर्य कि यही मांगूंगा कि मुझे सुंदर साथ में शामिल किया जाए। अब बिहारी जी को ठट्ठानगर से जो चिट्ठी भेजी गई थी, कच्छ में आने का जो निमंत्रण दिया गया था, बिहारी जी ने पढ़ा और पढ़ करके कहते हैं कि हम तो कहूं ना आ वही, तुम जाए के कहो सिताब। जो चिट्ठी लेकर आया था उनको बिहारी जी ने टकासा जवाब दे दिया, कहते हैं कि हम तो नहीं आने वाले, हम नहीं आ सकते। जैसे ही श्री जी ने वो खबर सुनी, अब दोबारा उन्होंने चिट्ठी भेजी और उस चिट्ठी में ये कहा गया कि बिहारी जी महाराज,
हमें अब्बासी बंदर के सुंदर साथ ने आभूषण पैसे रुपए नए नए वस्त्र आदि दिए हैं। हम उसको कहाँ तक लेके जाएं? हमें तो जागने के लिए आगे निकलना है, इसलिए यदि उसको आप अपने चरणों में स्वीकार करें तो अति कृपा होगी। अब जैसे ही धन की बात आई, बिहारी जी के तीसरे नेत्र खुल गए और बिहारी जी कहते हैं कि देखो मिहिरराज, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मुझसे मिलने के लिए तुम तड़प रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। अब वहां से बिहारी जी नौतनपुरी से नाव में बैठे मंडई पहुंचे। मंडई जिसको वर्तमान में मांडवी कहा जाता है, मांडवी के नाम से गुजरात में समुद्री किनारा है, सुंदर सा, लोग जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो वहां मंडई पहुंचे, धारा भाई ने जैसे ही ये बात सुनी वो दौड़े श्री जी के पास और ये खुशखबरी दी कि बिहारी जी महाराज मंडई पहुंच चुके हैं। श्री जी ने उन्हें बख्शीश देनी चाहिए तो कहते हैं कि मुझे यही बख्शीश चाहिए, यही पुरस्कार चाहिए कि मुझे सुंदर साथ में दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए। अब इस समय सूरत से श्री जी का दर्शन करने के लिए 8 सुंदर साथ आते हैं और बिहारी जी के साथ संग जी, अखई, हरवंश और लाला, ये सुंदर साथ आते हैं। श्री जी के साथ तेज कुमारी जी हैं, रूपाबाई है, राधाबाई है, इसी तरह से ठट्ठा नगर के भी कई सुंदर साथ हैं। इस प्रकार बहुत सारे सुंदर साथ वहां पर इकट्ठे होते हैं। मंडई से चल करके अब नलिया नाम के शहर में पहुंचते हैं। श्री जी आगे बढ़ करके बिहारी जी की अगुवाई करते हैं, अगुवाई मतलब सामने बढ़ करके उनका स्वागत करना। तो बिहारी जी की अगुवाई करते हैं, नलिया में जो कामदार होते हैं सरकारी, तो उनके वहां जाकर के रहने की जगह मांग ली जाती है कि हमें रहने के लिए कोई जगह दी जाए। अब बिरादरी की दृष्टि से वो जाना पहचाना था, उसने एक हवेली दे दी। बिहारी जी को भी उस हवेली में ठहराया गया। श्री जी सहित सभी सुंदर साथ ठहरते हैं और अब बिहारी जी महाराज की सेवा होने लगती है। श्री जी साहेब बिहारी जी को अपनी बीतक सुनाते हैं, दीपबंदर की, मस्कत, अब्बासी, ठट्ठा नगर, लाठी बंदर, सब जगह के बीतक सुनाते हैं। श्री जी के सुनाने का भाव कुछ और है, लेकिन बिहारी जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। ये सोचते होंगे कि देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मैंने तो कहा ही था नौतनपुरी में रहो, किसने कहा था जगह जगह दर दर भटकने के लिए। मन ही मन वो हंसते हैं। सुंदर साथ उसे सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं कि ऐसे ऐसे जागनी हो रही है। और इस प्रकार अब उत्सव होने लगा, रसोई होने लगी। श्री जी सुंदर साथ को बैठा करके चर्चा सुनाते हैं। रूपा और राधाबाई को एक दिन श्री जी ने एकांत में बैठाया और हिदायत दी, मार्गदर्शन दिया कि बिहारी जी की सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सेवा कैसी करनी कि साक्षात राज जी तुम्हारे सामने हो तो तुम कैसी सेवा करोगे, उसी तरह से श्री धाम का धनी जानियो, बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए काज, मैं ये सोचूंगा कि अगर तुमने इनकी सेवा की तो तुमने मेरा ही काम किया, और अगर उनकी आज्ञा भंग किया तो तुम्हें मुझसे भी कोई काम नहीं, मैं तुमसे भी अलग हो जाऊंगा। इस प्रकार कठोर शिखापन दी। अब बिहारी जी की सेवा में कुछ सुंदर साथ की नियुक्ति हुई है। श्री जी बाकी सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं। एक दिन एकांत में बैठकर श्री जी विचार विमर्श करते हैं बिहारी जी से कि हमें जागने के लिए आगे क्या करना है। विचार विमर्श क्या होना था, बिहारी जी को तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो केवल सुनने वाले हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो जो वस्त्र, आभूषण इत्यादि सुंदर साथ ने दिए थे श्री जी को, वो सभी उन्होंने बिहारी जी के चरणों में ला करके समर्पित कर दिया। वस्त्र थे, आभूषण थे, पैसे थे, बर्तन थे, वो सब उनके आगे रखा। और स्वयं के ही नहीं, बाईजुराज जी के भी जो वस्त्र आभूषण थे नए, वो सब उन्होंने श्रृंगार इत्यादि बिहारी जी के चरणों में रखा कि बिहारी जी की धर्मपत्नी के काम आएंगे।
और अब उनको लगा कि बिहारी जी थोड़े से खुश हैं। उनका मूड देख करके श्री जी ने विनती की कि बिहारी जी महाराज, ये धारा भाई है, मैं इनका ऋणी हूं। और ऋण क्या है इनका कि आपके आने की खबर मुझे दी है इन्होंने, इसलिए मैं इनका ऋणी हूं, मैं इनके प्रति वचनबद्ध हूं। क्योंकि आपके आने की खुशखबरी दी, उस पर तो मैं जान न्योछावर भी कर सकता हूं। अगर आपकी कृपा हो तो इनको आप सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए। मेरी केवल इतनी ही विनती है, इन्होंने अपनी आत्मा आपके चरणों में सौंपी है। बिहारी जी कहते हैं कि मिहिरराज, और कोई अर्जी करो, और कोई विनती करो, मैं सुन लूंगा, पर ये अर्जी तुम्हारी नहीं सुनूंगा, और इसके बाद आगे कभी इस विषय में बात भी नहीं करनी। इन्होंने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, इसलिए मैं इन्हें सुंदर साथ में किसी भी कीमत पे शामिल नहीं करने वाला हूं। श्री जी ने सोचा चलो अभी तो नहीं कर रहे। दो चार दिन के अंतराल पर फिर से उन्होंने विनती की और कहा कि बिहारी जी महाराज, इनका क्या गुनाह है, क्या अपराध है इनका, और जो इनके घर में दो स्त्रियां हैं, इनका क्या अपराध है, कृपया उन्हें तो सुंदर साथ में ले लीजिए। यदि धारा भाई ने गुनाह किया भी है तो उनके बदले बाकियों को क्यों निकाला जा रहा है, ये तो जुल्म है। बिहार जी ने कहा कि मिहिरराज, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, सौ बार, हजार बार नहीं, लाख बार भी तुम विनती करते हो तब भी मेरा जवाब ना रहेगा, मेरा ये एक ही जवाब रहेगा कि मैं इन्हें सुंदर साथ में हरगिज शामिल नहीं करूंगा। ये कैसे विडंबना है कि जो अक्षरातीत, जिसकी कोमलता का कोई उदाहरण भी नहीं दिया जा सकता है, कोई दृष्टांत नहीं हो सकता है, और उसकी शोभा प्राप्त करने के बाद, वो स्थान प्राप्त करने के बाद बिहारी जी में वो कठोरता है, लेकिन क्योंकि ये तो एक लीला है, हर लीला में, हर नाटक में नायक और खलनायक दोनों का महत्व होता है। खलनायक जितना कठोर होता है, वह दृश्य, वह नाटक उतना ही रोमांचकारी होता है। तो ये जो नाटक है, जो राज्य के दिल में चल रहा है, उसमें बिहारी जी को वो रोल मिला है, वो अभिनय मिला है। उन्होंने धाराभाई को सुंदर साथ में शामिल नहीं किया, बाकी सुंदर साथ डर गए और श्री जी को कहते हैं कि श्री जी साहब, आप बार बार उनकी सिफारिश क्यों करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस बात से चिढ़ करके आपको भी निकाल दें। अब श्री जी सोचने लगे कि पता नहीं क्या किया जाए, उनको कोई विकल्प नहीं मिला। उधर रूपा और राधा भाई जो बिहारी जी की हरकत देख रही हैं, बिहारी जी की क्रूरता कठोरता देख रही हैं, उनकी आत्मा गवाही ही नहीं देती कि ये राज्जी है और इनको राज्जी की तरह सेवा करनी है, बनावटी आता नहीं करना, तो अब उनका मन सेवा में नहीं लग रहा है। श्री जी के मन में भी शक है कि अगर राज्जी की थोड़ी सी भी कृपा होती इन पर तो इतनी कठोरता तो नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से सभी लोग बिहारी जी से दुखी हैं। उधर बिहारी जी स्वयं डरे हुए हैं। कैसे डरे हुए, कहते हैं, देख नूर चर्चा रोशनी भई, बिहारी जी को दिल सक, ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा, ए बात बड़ी बुजरक। श्री जी की दिव्य चर्चा को सुन करके उनके मन में लगा कि ये तो मेरी गादी छीन लेंगे। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अयोग्य व्यक्ति को अधिकार मिलता है तो उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कोई योग्य व्यक्ति आएगा और मेरा अधिकार छीन लेगा। तो बिहारी जी को ये डर रहता है कि किसी तरह से इनको रोका जाए। एक दिन एकांत में बैठ करके श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि अलग अलग जगह पर जाकर के जागनी की जाए। बिहारी जी कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम घर बार छोड़ करके विरक्त की तरह अलग अलग जगह पर जाकर के प्रचार करें। हमें क्या करना है, हमें तो एक ही जगह पर रहना है। देवचंद्र जी भी तो
उस जगह को छोड़ करके नहीं निकले थे, इसलिए हमें तो गृहस्थ की तरह ही रहना है, हमें विरक्त की तरह सन्यासी की तरह नहीं रहना है। ये बिहारी जी का कथन है, बिहारी जी की सोच है। वास्तव में देवचंद्र जी के तन से जो लीला चल रही थी वो तो भूमिका थी, वो एक नींव तैयार किया जा रहा था, उनको जाने की आवश्यकता नहीं थी, पर जागनी के लिए वास्तव में तो जगह जगह पर जाने की आवश्यकता होती है। और जागनी के लिए, सेवा के लिए, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे कोई सन्यासी, सबके लिए कर्तव्य तो एक ही जैसा है। हर सुंदर सात का, जिसके पास भी तारतम है, हर सुंदर सात का कर्तव्य है। तो लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो देवचंद्र जी गृहस्थ धर्म में प्रवेश किए हैं, उनके एक पुत्र और एक पुत्री भी हैं, लेकिन उनकी रहनी कैसी है, उनका आचरण कैसा है, एक सन्यासी जैसा। मिहिरराज जी ने भी पहले बाल्य अवस्था में विवाह करा दिया गया, उसके बाद तेज कुंवरी जी से भी विवाह हुआ, लेकिन फिर भी उनकी रहनी कैसी है, सन्यासी की जैसी। चाहे आप महाराजा छत्रसाल जी को ले लीजिए, महाराजा छत्रसाल जी की 3 पत्नियां हैं, पूरा राज्य संभाल रहे हैं, औरंगजेब से या और दूसरे राजाओं से छोटे बड़े कुल मिलाकर के 252 युद्ध किए हैं, और उसके बावजूद भी वो माया में नहीं बंधे हैं। तो चाहे कोई व्यक्ति गृहस्थी हो, चाहे कोई व्यक्ति सन्यासी हो, कोई व्यक्ति वानप्रस्थी हो, चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में हो, सबको जागनी का उत्तरदायित्व निभाना ही होता है। सबका अपनी अपनी आत्मा के प्रति कर्तव्य होता है। आत्मा का कर्तव्य निभाने के लिए आश्रम नहीं देखा जाता है। आश्रम एक सामाजिक व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सामाजिक व्यवस्था है, पर अपनी आत्मा के लिए तो कार्य हमेशा ही होता है और होना ही चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम अर्थात विद्यार्थी जीवन में रहते हुए अगर भक्ति से नहीं जुड़ा है, अध्यात्म से नहीं जुड़ा है, तो अचानक से वो वानप्रस्थ में जाकर के ये सोचे या सोचे कि रिटायरमेंट के बाद में भक्ति करना शुरू करूंगा, नहीं हो सकता है। जैसे इसके लिए बहुत सारे दृष्टांत हम देते हैं, सुनते हैं। एक तो कच्ची मिट्टी का दृष्टांत हम सब प्रचलित रूप से सुनते हैं कि बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनसे कैसे भी बर्तन बनाए जा सकते हैं, लेकिन मिट्टी पकने के बाद तो बर्तन नहीं बनाए जा सकते। आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो बांस से बहुत सारे बर्तन या टोकरियां, बहुत सारे आकार बनते हैं, लेकिन कोई बांस बूढ़ा होकर के सूख गया हो तो उसको फिर मनचाहा आकार नहीं दिया जा सकता है। हरे बांस को ही जब उसमें नरमाई रहती है, जब उसमें कुछ कोमलता रहती है, तभी उसे विशेष प्रकार का आकार दिया जा सकता है। एक बार सूखने के बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। इसी तरह से एक साधारण सुंदर साथ के लिए, जिसके पास भी तारतम्य ज्ञान है, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि अपने अपने आश्रम में, यहाँ आश्रम का मतलब मैं स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, आश्रम का मतलब जो 4 भागों में उम्र के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारी सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, अगले 25 वर्ष तक गृहस्थ, अगले 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, फिर सन्यास की अवधारणा है, उसकी नियमावली बनाई गई है। लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम अर्थात जब व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में होता है, उस विद्यार्थी जीवन में भी जब वो बैलेंस बनाता है, और बैलेंस कैसे बनाए, देखिए सन्यासी ने तो अपना जीवन पूरा किसके लिए लगाया है, भक्ति के लिए, ठीक है। तो वो अगर 4 घंटे का समय निकाल रहा है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो गृहस्थी व्यक्ति को या फिर विद्यार्थी जीवन में कम से कम 1 घंटा निकालना होता है, तब बैलेंस बनता है, तब सही रेशियो, सही औसत बनता है।
और यदि इतना भी नहीं कर सकते और उसके बाद सोचे कि नहीं गृहस्थ में जाने के बाद दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, और ये परेशानी क्यों होती, क्योंकि बैलेंस बनाना आता ही नहीं। आज समाज में देखिए, आप देखेंगे एक चीज में आपको बताता हूं, आज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कोई व्यक्ति बड़े पद पर जाना चाहता है ना, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, उसके बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है। कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है। हर पढ़ाई के बाद में साथ में मैनेजमेंट की डिग्री लोग मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मैनेजमेंट का मतलब चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, हर तरह के मैनेजमेंट की हमारे व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक या धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और आध्यात्मिकता मनुष्य को मैनेज्ड लाइफस्टाइल सिखाती है। जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति हमेशा मैनेज करता है। जैसे उदाहरण के लिए लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वामी जी के पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन चूंकि आध्यात्मिक जीवन शैली है इसीलिए उनका एक एक मिनट कीमती होता है। साल में एक नहीं कई कई किताबें लिख देते हैं, और इसके साथ में 50 जगह पर कार्यक्रम भी करते हैं, और उसके साथ साथ में कम से कम 4 से 6 महीने तक पूरी तरह से ध्यान में भी रहते हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? बैलेंस की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से। और आज मैं देखता हूं, और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, सिर्फ विद्यार्थी जीवन में ही नहीं, गृहस्थियों के लिए भी। क्योंकि यहाँ बिहारी जी तो कह रहे हैं कि हमारा काम गृहस्थों का है, हमारा काम सन्यासियों वाला विरक्तों वाला नहीं है। विरक्तों का कर्तव्य थोड़ा ज्यादा है, पर गृहस्थियों का, ब्रह्मचारियों का, सबका कर्तव्य साथ में रहता ही है। आज मैंने देखा कि हमारे समाज में जो लोग विद्यार्थी जीवन में भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी जीवन में भी और अच्छा करते हैं। मैं बिना नाम लिए बताना चाहूंगा, कुछ बहनें हैं जो एग्जाम के दिन भी सुबह वाणी पढ़ रही होती हैं। कभी कभी मैं फोन करता हूँ एग्जाम के समय में कि शुभकामना देने के लिए कि आज परीक्षा है, मैंने पूछा क्या कर रहे, तो बोलती है वाणी पढ़ रहे हैं। कई भाई भी हैं ऐसे जो कहते हैं कि हम अभी वाणी पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि आज तो तुम्हारी परीक्षा है। बोले परीक्षा तो वास्तव में ये है ना कि हम परीक्षा के दिन भी राज जी को याद करते कि नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट आता है तो वो कॉलेज में टॉप कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मैनेज करना आ रहा है। और वास्तव में जो समय नहीं है का बहाना करते हैं, समय के न होने का रोना रोते हैं, उनके पास भी समय 24 घंटे का ही होता है। और क्योंकि उन्हें मैनेज करना नहीं आता है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए हमेशा वो समय का रोना रोते ही रहते हैं। ये बात सबके लिए, चारों आश्रमों के लिए लागू होती है। यदि हम मैनेज करना नहीं सीखते हैं तो संपूर्ण जीवन अध्यात्म के लिए सौंपे हैं ऐसा कहने वाले सन्यासियों को भी समय का अभाव होता है। और यदि हम मैनेज करना सीख जाते हैं तो विद्यार्थी हो चाहे गृहस्थी हो, राज्य के लिए, अपनी आत्म जागृति के लिए समय निकाल ही लेते हैं। अब बिहारी जी ने जब कह दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता विरक्त का काम, और अगर तुम नहीं कर सकते, यहाँ नौतनपुरी में तुम्हारा मन नहीं लगता है, तो तुम भी क्या करो, तुम चले जाओ कच्छ में, कच्छ में नौकरी कर लो, राजा के यहाँ नौकरी तो है ही तुम्हारी। श्री जी क्या कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, सदगुरु धनिश्री देवचंद्र जी ने जो ज्ञान हमें दिया, इसको बहुत ध्यान से समझना, जितने विद्यार्थी मेरे, आप सबके लिए, जो हम छोटी छोटी नौकरी का सपना देख रहे होते ना कभी कभी कि नहीं ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, इतनी पढ़ाई के बाद में यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, या जो जा चुके हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, सबके लिए श्री जी क्या कहते हैं, उनके पास जॉब छोटी मोटी नहीं थी, वो राजा के यहाँ पर दरबारी थे। आज के हिसाब से देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल सेक्रेटरिएट के सचिव थे वो,
उस समय के, मतलब सिविल सर्विस में थे, ए ग्रेड की सर्विस समझ सकते हैं। और उसको उन्होंने जागनी के लिए छोड़ा। और वो क्या कहते हैं कि उनका लक्ष्य छोटा नहीं है, कहते हैं कि सदगुरु धनश्री देवचंद्र जी ने जो तारतम ज्ञान दिया है, जिससे मेरे हृदय में परम धाम की जागृत बुद्धि आई है, और उस जागृत बुद्धि से आप जिन राजा के यहाँ नौकरी की बात करें, मैं ऐसे राजाओं को जगाना चाहता हूँ। और वो उन राजाओं को जब मैं तारतम ज्ञान से प्रबोधित करूंगा, वो राजा आपकी सेवा करेंगे। तो हम उनकी सेवा क्यों करने जाए जब हमारे पास राज जी ने इतना बड़ा ज्ञान दिया है। इसलिए मेरे मन में ऐसी माया की कोई भी इच्छा नहीं है, और मेरे मन में तो यही इच्छा है कि श्री देवचंद्र जी की नजर शकुंडल और सकुमार पर थी, कि वो राजघराने में है, और जब वो सुंदर साथ में आएंगे तो लैल मिट होवे फजर, लैल अर्थात रात्रि, अज्ञानता की रात्रि मिट करके ज्ञान का सवेरा होगा। तो इसलिए मेरी नजर उन शकुंडल और सकुमार पर है। इस संसार में ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या कहते हैं, यह जो इष्ट फिरके चले किया मूल बिना विस्तार। इस संसार में जो भी संप्रदाय चले हैं, जिन्होंने बहुत सारे अपने अपने आराध्य बनाए हैं, इनका विस्तार कैसे हुआ है, मूल बिना, मूल अर्थात जड़ नहीं है, आधार ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। मैं आपको एक सवाल पूछूं कि ब्रह्म कुमारी जो मत संसार में चल रहा है, आज सबसे ज्यादा तेजी से इनका प्रचार हो रहा है, इनका आधार कौन सा ग्रंथ है? नहीं, कोई आधार ही नहीं है। किसी के मन में कोई भाव आया और उस भाव को थोड़ी अच्छी शैली में समाज में व्यक्त किया गया, लोगों को व्यवहारिक बातें सिखाते गए कि खाना ऐसे नहीं खाना है, वैसे खाना है, पानी वैसे नहीं पीना है, वैसे पीना है, थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान कर लेना है, और मन को शांत रखना है, विचारों को शुद्ध रखना है, परिवार में बैलेंस कैसे बनाना है, ऐसी ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते गए। आत्मा और परमात्मा की कोई गहरी बात नहीं है। और इनका कोर्स कितने दिन का है? 7 दिन में खत्म हो जाता है। और वो संप्रदाय कैसे फैला है? आज विश्व के बहुत सारे देशों में उनकी शाखाएं हैं। इसी तरह से राधास्वामी मत है, इनका कोई भी ग्रंथीय आधार नहीं है, व्यक्तिगत विचार ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे विचार गलत हैं, पर जो विचार है वो भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म ग्रंथों से ही लिए गए हैं, पर कोई एक निश्चित आधार नहीं है। और बिना आधार के भी उनके संप्रदाय का प्रचार आज इतना अधिक है। चलो मान लो इनका तो फिर भी थोड़ा ठीक है, बहुत सारे देवी देवताओं के तो नाम हमारे समाज में ऐसे हैं जिनको किसी धर्म ग्रंथ में आपको पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। खाटू श्याम देख लीजिए, किस धर्म ग्रंथ में खाटू श्याम का वर्णन है? महाभारत में बर्बरिक का प्रसंग आता है, और उसको इस तरह से मार्केटिंग किया गया है कि आज इंडिया में लगभग लगभग हर राज्य से खाटू श्याम के दर्शन के लिए गाड़ियां चलती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरफ जाहरवीर गोगा जी के नाम से कोई देवता चलते हैं, कोई धर्म ग्रंथ में नाम नहीं है, पर उनकी भी पूजा होती है, उनके नाम पे मेले लगते हैं, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। गुजरात में आप देखेंगे वडोदरा के पास में एक स्थान है, वहां पर रामदेव पीर का मेला लगता है, और उस मेले में 5-5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं रामदेव पीर के नाम से। बाबा रामदेव नहीं, कोई रामदेव पीर है राजस्थान के। इसी तरह से गुजरात में देखा जाए उधर राजकोट या कच्छ की तरफ, तो वहां पर खोडियार माता के नाम से, मेलड़ी माता के नाम से, अलग अलग माताओं के नाम से जिनका कोई आधार ही नहीं है धर्म ग्रंथ में, और ऐसे ऐसे माताओं के मंदिर बने हैं और उनकी भक्ति करने के लिए लाखों लोग जाते हैं। पावागढ़ वाली देवी को देख लीजिए, इधर मनसा देवी को देख लीजिए, मनकामना देवी को देख लीजिए, आप कामाख्या देवी को देख लीजिए, इनका वर्णन किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। लेकिन
कोई आधार न होने के बावजूद भी क्या कहते हैं, यह जो इष्ट फिरके चले किया मूल बिना विस्तार, इन्होंने बिना आधार के इतना बड़ा विस्तार किया है। तो श्री जी कहते हैं अपनी अखंड वस्तु श्री धाम की, हमारी जो वस्तु है, हमारा जो ज्ञान है वो तो अखंड का है। हमारे सिर पर राज्य खड़े हैं और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हर चीज का आधार है। अभी 2-3 दिन के बाद शायद आप हरिद्वार के प्रसंग में सुनेंगे कि निजानंद संप्रदाय की पद्धति में एक एक पद्धति का आधार है। सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है, अक्षर रूप सिखा सदा इनसे परे चेतन चित जनोब, हर चरण की व्याख्या में कोई ना कोई प्रमाण आपको मिलेगा, तो वो आधार है। और उसके बावजूद भी हमारे संप्रदाय की अवस्था कैसी है, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली। नाम बड़े दर्शन छोटे क्यों? क्योंकि ज्ञान इतना बड़ा है लेकिन प्रस्तुतिकरण का स्तर हमारा नहीं है। हमारे समाज में ढंग से 5 भी विद्वान ऐसे नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर हजारों लोगों के सामने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत कर सके कि प्राणनाथ जी की वाणी की विशेषता ये है। 5 भी नहीं है। तो श्री जी के मन में ये दर्द है, कहते हैं कि सो विस्तार क्यों ना करे जाको मूल है हक। जिनका मूल नहीं है वो विस्तार कर रहे हैं, तो जिनका मूल सत्य है वो क्यों ना करे। हमें तो चाहिए कि परम धाम की लीला को जाहिर करें इस संसार में, और इसमें कोई संशय ना हो, किसी भी प्रकार का संकोच ना हो। बिहारी जी महाराज, आप किसी भी तरह का संशय मत करना, आप चिंता भी मत करना, आप तक कोई बात ही नहीं आएगी। हम आपको ऊंची जगह पर बैठाएंगे, नीचे हम सावधान रहेंगे, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ज्ञानी आएगा, पंडित विद्वान आएगा, तो हम उनसे चर्चा करेंगे, सभी के प्रश्नों का जवाब भी हम देंगे। और जब हर तरह से वो परम धाम की बात सुनने योग्य होगा तो तारतम लेने के लिए आपके पास भेजेंगे। आप उन्हें केवल तारतम देना और केवल उनको दर्शन देना। बिहारी जी कहते हैं कि मेरा निकलना तो संभव नहीं हो सकता, मेरे साथ में रंगबाई हैं जो भारी भरकम शरीर वाली हैं, उनकी माता उनके साथ में रहती है, उनका पूरा परिवार रहता है। अब मैं अकेले तो चलूंगा नहीं, चलूंगा तो पत्नी भी साथ में चलेंगी, पत्नी चलेंगी तो पत्नी का परिवार भी साथ में चलेगा, कुटुंब चलेगा, इसलिए मैं तो नहीं चल पाऊंगा किसी भी तरह से। राज्य को जागनी करना होगा करेंगे, जिसको जुड़ना होगा आकर के जुड़ेंगे, हमें क्या लेना देना। और ये हमें क्या लेना देना वाली प्रवृत्ति से, राज्य के हुक्म को दोष देने की प्रवृत्ति से आज तक हम उबर नहीं पाए हैं। आज धीरे धीरे हमारी अवस्था रेंगने वाले से हटकर के थोड़ा चलने वाले तक हुए हैं, पर करना क्या है, दौड़ लगानी है, उड़ना है। और उड़ने के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी कैसी? हमारी तैयारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक हर स्तर पर होना चाहिए, और आज हम इस तरह से तैयार नहीं है। एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, लेकिन यदि पूरा समाज करता है, अगर हमें जागनी के लिए बहुत ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई की हो, 50 लोग, और वे 50 विद्यार्थी 3 वर्ष से 5 वर्ष तक लगभग पूरी निष्ठा के साथ में स्वाध्याय करें, जिस बीच घर वाले बार बार मोह दिखा करके न बुलाएं, किसी भी तरह के बीच में व्यवधान ना हो, और निरंतर अभ्यास कराया जाए, और उसके बाद फिर उन 50 विद्वानों को जगह जगह पर मंच प्रदान करके यदि उनके बोलने का अभ्यास, लिखने का अभ्यास कराया जाए, तो हो सकता है कि अगले 8 से 10 वर्ष में समाज का नक्शा थोड़ा बदले,
पर आज हम जिस गति से चल रहे हैं, आत्ममुग्ध होने के लिए तो ठीक है, हम कह देंगे कि नहीं बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है, देखिए हम इतने साहित्यों का अनुवाद कर रहे हैं, इतना सारा साहित्य प्रकाशित कर रहे हैं, पर विश्व की जनसंख्या और विश्व की वर्तमान परिस्थिति जितनी अशांति है उसको देख करके हमारा जो प्रयास है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आत्ममुक्त होने के लिए भले ही हम कह दें कि नहीं हमारे पास अच्छे अच्छे विद्वान हैं, कुछ हैं हम मानते हैं, लेकिन उतने से कुछ नहीं होना है, संसार इतना बड़ा है। श्री जी क्या कह रहे हैं कि हमें जितना बड़ा काम करना है, बात बड़ी है करनी आवे सकुंडल सकुमार, तो जागनी का काम जो है वो बहुत बड़ा है। तो आज हमें आवश्यकता है कि जो प्रचारक हमारे पास हैं वो भी स्वाध्यायशील हो, जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो भी राज्य के प्रति समर्पित होकर के आए, तो ये बौद्धिक स्तर पर तैयारी होगी। आर्थिक स्तर पर भी हमें तैयार होना होगा, क्योंकि आर्थिक आवश्यकता भी होती है। 40 लाख सुंदर साथ की संख्या बताई जाती है, यदि संगठित रूप से 40 लाख सुंदर साथ दिन के 1 रुपए के हिसाब से भी सेवा करे तो कितना होगा, 1 महीने में 12 करोड़, साल भर में 144 करोड़ होता है, और यदि 144 करोड़ रुपए 1 साल में इकट्ठे हो, जिसको बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी घोटाले के, भिन्न भिन्न स्थानों पर ऐसे ही ज्ञान केंद्र ज्ञानपीठ का संचालन किया जाए, विद्वानों को निश्चिंत रूप से जागनी का कार्य करने के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाए, साहित्य के प्रकाशन में मीडिया में उस धन को लगाया जाए, मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में प्रमोशन करने में, तो क्या होगा, क्या वाणी का प्रचार नहीं होगा? हो सकता है, पर उसके लिए समाज को एकजुट होना होगा, उसके लिए नाम का जो झगड़ा है बिना किसी बात का उससे ऊपर होना होगा, वेशभूषा का जो झगड़ा है उससे ऊपर होना होगा, गादी के नाम का जो झगड़ा है उससे ऊपर होना होगा, गुरुओं के नाम का जो झगड़ा है कि हम उस गुरु वाले हैं, हम ये गुरु वाले हैं, हम दयाराम जी वाले, हम मंगलदास जी वाले, हम सरकार श्री वाले, हम स्वामी जी वाले, इस तरह से इन सब से हमें अलग होना पड़ेगा। पुरियों के झगड़े से हमें अलग होना पड़ेगा कि हम इस पुरी से जुड़े, हम उस पुरी से जुड़े। जब सभी झगड़ों को एक तरफ रख करके सब विद्वान एकजुट होकर के, सुंदर साथ एकजुट होकर के, एकता के साथ अगर प्रयास करते हैं तो इतना बड़ा काम हो पाएगा, वरना फिर यही बात चलती रहेगी कि बिना किसी आधार वाले संप्रदाय आधार बना करके जड़ फैलाते रहेंगे और हम हाथ मसलते रह जाएंगे और हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा। अब बिहारी जी ने तो मना कर दिया, कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, और मना ही नहीं किया, वो खुद तो नहीं कर रहे और दूसरों को भी तोड़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि रूपाबाई जो है वो मन लगा करके सेवा नहीं करती, उनको भी उन्होंने सुंदर साथ से निकाल दिया। श्री जी ने देखा कि अगर इनके मन में राज्य का थोड़ा सा भी आवेश होता तो ऐसे तो नहीं होते। इस तरह से अब श्री जी के मन में भी कहीं ना कहीं अंदर से वो भेद आ रहा है, बिहारी जी से अलगाव का भाव आ रहा है, फिर भी अभी कुछ कहा नहीं। उन्होंने अपना मन ही समझाया, स्वयं को ही समझाया, और वहां से चल करके अब मंडई बंदरगाह पर पहुंचते हैं। मंडई से चल करके बिहारी जी गए खंबालिया, और खंबालिया में जो राजा रहता था खंबालिया का, क्योंकि राजा इसलिए क्योंकि छोटे छोटे उस समय राज्य हुआ करते थे, और जामनगर उस समय थोड़ा बड़ा राज्य था जिसके नीचे ये छोटे छोटे राज्य और उस राज्य के राजा काम किया करते थे। मिहिर राज्य जब जाम राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे तो उस समय की किसी कारणवश खंबालिया का जो राजा था वो दुश्मनी रखता था। बिहारी जी ने किसी व्यक्ति के माध्यम से खंबालिया के राजा के पास ये शिकायत करवा दी कि तुम्हारे गांव में मिहिरराज आने वाले हैं। अब राजा दुश्मनी रखता था, उसने सोचा कि अब ये मौका है अपना बदला लेने का। अब श्रीजी भी वहां से आगे जाने के लिए
नाव में बैठने वाले होते हैं। पहले तो सब सुंदर साथ को बैठाया जाता है और श्री जी आखिर में नाव में बैठते हैं। आजकल क्या होता है कि मैं देखता हूं कई बार, मान लीजिए कि बस रिजर्व किया है एक उदाहरण के लिए और कहीं घूमने जाना है, तो जो थोड़ी तेजी से चल सकते हैं, थोड़ी थोड़े हट्टे कट्टे लोग होते हैं, वो फटाफट से चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर कब्जा कर लेते हैं, जो अच्छी अच्छी सीट जो आगे की मानी जाती है। फिर जो जिनकी गति थोड़ी धीमी होती है, बेचारे धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए आते हैं, उनको पीछे की सीट मिलती है। ये बड़प्पन नहीं है। श्री जी ने पहले सब सुंदर साथ को बैठाया है और उसके बाद स्वयं बैठने वाले होते हैं। नेतृत्व करता जहां सीना आगे करना होता है वहां सीना फैलाता है, और जहां क्रेडिट की बात आती है, जहां कुछ लेने की बात आती है, तो वहां किसी दूसरे को आगे करता है। वही अच्छा नेतृत्व करता होता है। जहां जिम्मेदारी लेना हो वहां सबसे आगे बढ़े, और जहां पद लेना हो वहां सबसे पीछे हटे। श्री जी ने सब सुंदर साथ को बैठाया और जब नाव में बैठने वाले थे, अब उधर नाव की रस्सी खुल चुकी थी, जो किनारे पर लगी होती है ना, किसी कील के साथ में बंधी होती है, वो रस्सी खुल चुकी थी। श्री जी नाव पर बैठने वाले होते हैं, इतने में उनको छींक आ जाती है। छींक आने में क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए शरीर लड़खड़ा जाता है। अब श्री जी रुक गए, नाव थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी, अब बढ़ते नाव में कूद तो नहीं सकते। श्री जी ने सोचा कि ये मूल स्वरूप राज्य की कोई अंतः प्रेरणा है, तो उन्होंने सुंदर साथ को कहा कि शायद ये कोई शकुन नहीं है, शायद राज्य नहीं चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ खंबालिया आऊं, तो आप लोग जाइए, मैं मिलता हूं आपसे। उन्होंने जोर से आवाज देकर के कहा, क्योंकि नाव तो आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपनी बात कही, अब हवा तेजी से चली, नाव खंबालिया पहुंची, और खंबाले में जब नाव पहुंची, वहां के सैनिकों ने उस नाव को रोक लिया। उस नाव में सूरत से जो सुंदर साथ आए थे, कितने सुंदर साथ थे, 8 सुंदर साथ जो आए थे वो, और बाईजीराज जी के साथ कुछ सुंदर साथ और थे बैठे हुए। अब जो सैनिक थे उन्होंने देखा कि यहां मिहिरराज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बात सुनी थी कि मिहिरराज जी की पत्नी भी आने वाली है। अब जब पूछताछ कर रहे थे तो सूरत के जो सुंदर साथ थे वो समझ गए मिहिरराज जी के लिए सब जाल फैलाया गया है, और अगर मिहिरराज जी के लिए है तो फिर बाईजीराज जी के विषय में बताना भी उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बाईजीराज नहीं है। उन सैनिकों को जब शक हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा तो नहीं था, मिहिरराज जी को तो पहले देखा होगा लेकिन बाईजीराज जी को नहीं देखा था, तो उन्होंने बाईजीराज जी की तरफ पूछा कि ये कौन है। सूरत के जो सुंदर साथ थे उन्होंने कहा कि ये हमारी बहन है। अब सूरत के जो सुंदर साथ थे वो लौकिक दृष्टि से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे और मिहिरराज जी क्षत्रिय कुल के, और उस समय जब जातिवाद इतने जोरों पर था, उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया उन सैनिकों ने कि बाईजीराज जी को भोजन बनाने के लिए कह दिया, और उस समय जातिवाद के नाम पर भोजन भी बटा हुआ था, जो पूरी इत्यादि जो घी में या तेल में तले हुए जो भोजन होते थे उनको पक्का भोजन बोलते थे, और जिसको पानी में उबाल करके बनाया जाता था या भाप से बनाया जाता था उसको कच्चा भोजन बोलते थे। और उस समय जो जातिवादी लोग थे वो अपने से नीची जाति के हाथ का बना हुआ कच्चा भोजन नहीं लेते थे, पर पक्का हुआ भोजन लेते थे, मतलब तली हुई चीज खा लेते थे, उसमें अछूत नहीं लगता था उनको, पूरी वगैरह खा लेते थे, मालपुआ खा लेते थे, चावल नहीं खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, क्योंकि वो स्वादिष्ट नहीं होता था ना, वो तो घर पे भी खा सकते हैं, कितने लालची लोग हैं। तो अब उन लोगों ने कहा कि बाईजीराज जी को कि इनसे कच्चा भोजन बनवाया जाए। बाईजीराज जी ने चावल बना दिया होगा, भोजन बनाया, और उन सुंदर साथ को कहा गया कि ये भोजन खाइए। बाईजीराज जी ने बड़े प्रेम से उनको भोजन परोस करके खिलाया,
सुंदर साथ ने भी बड़े प्यार से खाए, क्योंकि उनके लिए तो जाति का कोई लेना देना था ही नहीं। उनके मन में तो और प्रसन्नता थी कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाईजीराज जी के हाथ का बना हुआ भोजन खाने को मिल रहा है। सुंदर साथ ने बड़े प्रेम से भोजन किया तो उन लोगों को क्या विश्वास हुआ कि अच्छा ये इनकी ही बहन है, क्योंकि अगर मिहिरराज जी की पत्नी होती तो ये, क्योंकि छोटी जाति की हैं, क्षत्रिय हैं, तो वो ब्राह्मण उनके हाथ का भोजन नहीं करते। बेचारे इसी भ्रम में रह गए और उन्होंने सोचा कि अब जब ये लोग हैं ही नहीं तो क्या करना पकड़ करके, तो उन्होंने अगले दिन छोड़ दिया। कहते हैं बहुत जाफ्ता तिन किया, चलिया न कछु लगार, खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार। अब खंबालिया से सुंदर साथ चलते हैं सूरत की तरफ। अब श्री जी क्या करते हैं, श्री जी पैदल चलते हैं और पैदल चलते हुए अब नदी के किनारे किनारे चलेंगे या समुद्र के किनारे किनारे चलेंगे तो जगह कैसी मिलेगी, रेतीली जगह। पैदल चल रहे हैं रेतीली जगह पर और वो भी गर्मी कैसी, जैसे नलिया पहुंचे थे तो बैसाख का महीना था, वहां एक महीने के आसपास रुके थे, तो ये जेठ की अंतिम समय होगा, जेठ या आषाढ़ का, और उस समय कितनी गर्मी होती है। वहां रेतीली जगह पर श्री जी पैदल चलते हैं, विरक्त का वेश है, और वहां से चल करके श्री जी धोरा जी के रास्ते पर पहुंचते हैं। अब सूरत का जो सुंदर साथ खंबालिया में उतरा था वो भी वहां से धोरा जी पहुंचते हैं और श्री जी से आकर के मिलते हैं, क्योंकि उनको भी अंदाजा लग गया था कि पैदल पैदल चलेंगे तो श्री जी के कहां पहुंचने की संभावना है, उसी अंदाजे के आधार पर आकर के धोरा जी में उतरे। अब श्री जी और सूरत के सुंदर साथ की भेंट हुई तो प्रेम जी और थावर भाई दो सुंदर साथ हैं, उन्होंने सुना कि श्री जी आए हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर के दौड़े, स्कॉर्पियो नहीं बैलगाड़ी थी उस समय, तो बैलगाड़ी लेकर के दौड़े। अब वहां पर एक प्रसंग चलता है, सूरत के आठ सुंदर साथ हैं, प्रेम जी थावर जी दो सुंदर साथ हैं, दस हो गए, श्री जी 11, बाईजीराज जी 12, एक दर्जन तो ऐसे ही हो गए, और उसके साथ रूपा भाई राधा भाई इत्यादि भी होंगी, तो सुंदर साथ इतने हैं, थोड़ा बहुत तो सामान भी होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब सब लोग बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं और वहां पर बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है, रेगिस्तान रेतीली जगह है और आज की तरह टायर भी नहीं होते थे, आज से 20-25 साल पहले तक भी, आज भी कहीं कहीं पर बैलगाड़ियां चलती है तो वहां लकड़ी के पहिए होते हैं, पतली पट्टी के, और वो तो और जल्दी धंस जाते हैं। वहां बैल जब धंसता है तो गाड़ीवान क्या करता है, बैल को सुआ चुभ होता है, मतलब एक लाठी होती है, लाठी में कील की तरह कुछ धसा होता है, उससे वो थोड़ा चुभोता है, जैसे ही कुछ चुभता है तो वो डर के मारे झटका दे करके बैल आगे बढ़ता है। इस तरह से वो गड्ढे पर से अब बैलगाड़ी को खींचता है और इस तरह भार खींचते खींचते बैल के कंधे पर छाले पड़े होते हैं, जिसको चांदा पड़ना कहते हैं या चांदी भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा रगड़ रगड़ करके चांदी की तरह सफेद हो चुका होता है। अब उस परिस्थिति को देख करके श्री जी कुछ विचार करते हैं, सोचते हैं कि मेरा जीव, अपने आप को संबोधित करते हैं, कहते हैं कि मेरी भी तो हालत इस बैल जैसी है, गाड़ी क्या है, जागनी रूपी गाड़ी है। आज हमने प्रारंभ में कीर्तन सुना, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, तो वहां ये भाव अवतरित होता है कि धोरीड़ा कहते हैं बैल को, माँ मुँह के तारी दूसरी, दूसरी मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी को माँ मुँह के अर्थात छोड़ना नहीं, वाटड़ी विषमी, वाटड़ी कहते हैं रास्ते को, विषम अर्थात कठिन रास्ता है, और गाड़ी
भार से भरी हुई है, अर्थात जागनी का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है और गाड़ी भी भार अर्थात जिम्मेदारी से भरी है। धोरीड़ा आरे मारे रे, जो गाड़ीवान है, गाड़ीवान के रूप में बिहारी जी महाराज है और वो बीच बीच में सुई चुभोते रहते हैं, पीटते रहते हैं और तुझे आराम का भी मौका नहीं देते, एक के बाद एक परेशानियां देते रहते हैं। कभी उनकी चुगली से हफ्सा जाना पड़ता है नजरबंद में, कभी उनकी चुगली से यहाँ पर अभी खंबालिया में भी सुंदर सात को पकड़ लिया गया था, उन्हीं के कारण बने बनाए सुंदर सात टूटते रहते हैं। कभी वो गरीब किसान को निकाल देते हैं, कभी फूलबाई का त्याग करना पड़ता है, कभी धाराबाई को सुंदर सात से निकाल रहे हैं, कभी रूपाबाई राधाबाई को निकाल रहे हैं, धाराबाई के तो पूरे परिवार को निकाल दिया। तो इस तरह से वो बीच बीच में सुई चुभोते रहते हैं, अड़चने डालते रहते हैं। लेकिन हे बैल, हे मेरे जीव रूपी बैल, तुझे इस जागनी की गाड़ी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि तूने तो वचन दिया है सदगुरु महाराज को, इसलिए तू छूट भी नहीं सकता है। छूटेगा तो कैसे छूटेगा, धोरीड़ा वही ने छूटे रे, वही ने छूटे रे, वही अर्थात वहन करके ही छूट सकता है। अगर तू सोचे कि बीच में छोड़ना, नहीं, संभव ही नहीं है। और ये हर सुंदर साथ के लिए है, जिसका जो कर्तव्य है जागनी के प्रति वो तो वहन करके ही छूटेगा। अब ये हमारे ऊपर है, ये ऐसा ही है कि ये इस प्रकार का खेल है जिसमें प्रवेश करने के बाद पीछे आप नहीं हट सकते। यूं सोचिए कि यहाँ आप सबके सिर पर एक एक सिलेंडर रख दिया जाए और कहा जाए कि पीछे जो दीवार है उस दीवार तक पहुंच करके आपको सिलेंडर को उतारना है। अब आप सिलेंडर बीच में उतार नहीं सकते, बहुत सख्त नियम है यहाँ पर। और आप उसको सिर पर रख करके मन ही मन सोचते रहे कि अरे बहुत भार है, बहुत भार है, बहुत भार है, क्या होगा, भार बढ़ता ही जाएगा। अगर भार को उतरना है तो क्या करना पड़ेगा, दीवार तक पहुंचिए, लक्ष्य तक पहुंचिए और छोड़ दीजिए। जागरी में कठिनाइयां तो है, पर आप ये कहने लग गए कि ये भी कठिनाई है, वो भी कठिनाई है, ये भी समस्या है, वो भी समस्या है। समस्याएं जीवन में आने वाली है, हमें करना क्या है, धोरीड़ा वही ने छूटे रे, कीधा भोगवे रे, जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। कहते ना, अब ओखली में सिर दे दिया है तो मुसल से क्या डरना। अब आप सब ने भी ओखली में सिर दे दिया है, पर सब मिहिरराज की तरह नहीं हो सकते। कोई मुसल पकड़ करके छुड़ाने की कोशिश करता है, कोई सिर निकालने की कोशिश करता है। यदि वास्तव में मिहिरराज जी की तरह हो तो फिर मुसल से नहीं डरेंगे। तो वहां पर ये प्रकरण अवतरित होता है, जो जागनी के ब्रह्मांड में चलने वाले हर सुंदर साथ के लिए सिखापन है। क्योंकि आप भी अगर रास्ते पर चलेंगे, घोड़े पर चढ़ना सीखेंगे तो गिरने की नौबत आएगी, आप सेवा करेंगे तो लोग कमियां निकालने वाले भी होंगे, लेकिन आपको ये नहीं देखना है। आप काम करने लग जाएंगे तो टांग खींचने वाले लोग भी होंगे, हाथ खींचने वाले लोग भी होंगे। आपका ध्यान होना चाहिए कि कितने लोग हैं जो मेरा हाथ पकड़ करके ऊपर खींचने के लिए तैयार हैं, और उन पर फोकस करेंगे तो क्या होगा, टांग खींचने वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये प्रकरण सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है। अब इस तरह से श्री जी वहां से घोघा पहुंचते हैं, 3 दिन वहां रहते हैं, फिर सुहाली में पहुंचते हैं, उतरते हैं और वहां से पहुंचते हैं सूरत। सूरत में 17 महीने तक श्री जी रहे और उन 17 महीनों में किस तरह से जागनी होती है, सूरत जागनी ब्रह्मांड का कहीं ना कहीं प्रारंभिक केंद्र कह सकते हैं, जहां से श्री जी के साथ काफिला चल पड़ा है, 500 सुंदर साथ का की जमात। उनमें सभी 500 लोग सूरत के नहीं है, कुछ लोग पीछे से साथ में आए हैं, दीपबंदर से कुछ लोग जुड़े होंगे, कुछ अब्बासी से, इस तरह से। पर अधिकतर सुंदर साथ सूरत के हैं, जिनमें बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, भीम भाई जैसे वेदांत के विद्वान हैं, गोविंद जी व्यास जैसे भागवत के विद्वान हैं, इस तरह से बड़े बड़े विद्वान हैं। धनाढ्य सुंदर साथ भी, क्योंकि उस समय भी वो व्यापार का केंद्र था। तो किस तरह से अब सूरत में जागनी होती है, भीम भाई श्याम भट्ट जैसे विद्वानों की,
और इस तरह कैसे शिवजी और राम जी नाम के दो भाई हैं जिनको बिहारी जी का दर्शन करने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ कैसे धन को देख करके एक को तो परमधाम में प्रवेश करा दिया जाता है और एक निर्धन देख करके परमधाम से निकाल दिया जाता है। किस तरह से लालदास जी श्री जी के चरणों में सदा के लिए समर्पित होते, क्योंकि जागनी तो हुई ठट्ठा नगर में लेकिन अभी भी वो व्यापारी हैं, अभी वो लालदास नहीं बने हैं, अभी वो लक्ष्मण सेठ के रूप में ही हैं, लेकिन ऐसी क्या भूमिका बनती है कि सब कुछ छोड़कर के श्री जी के चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हैं। ये सारी भी तक सुनेंगे हम कल, अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। 17 महीने तहां रहे कहो ताकि बीतक, जिन भात लीला करी सो याद करो बुजरक, सो याद करो बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज, प्राणनाथ।